मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार के नाम की मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें अगले महीने खाली हो रही है। इन्हीं सीटों को लेकर कांग्रेस ने विवेक तन्खा के नाम की घोषणा की है। वहीं बीजेपी ने रविवार शाम कविता पाटीदार के नाम की सूची जारी की। विधायकों के मौजूदा संख्याबल के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। बीजेपी उम्मीदवार कविता पाटीदार के पिता स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग से आती है, इसी का फायदा उन्हें मिल रहा है। कविता पाटीदार प्रदेश महामंत्री बनने से पहले इंदौर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में वो भाजपा प्रदेश महामंत्री है।